नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में कई ऐसी समस्याएं हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो बाईपास रोड हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पर हम बात करेंगे यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब जो है, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मुद्दों का हल कब निकलेगा। आइए हम उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, मुमरा कोलीवाड़ा जो फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन गुजरती है वहाँ पर कई लोग अपनी आत्महत्या करने के लिए पहुँचते हैं, कई लोग शॉर्ट कट के चक्कर में भी पार होने की कोशिश में रेलवे में जान जाती है उनकी। वहाँ पर कोई भी सेफ्टी वाल नहीं, कोई दीवार नहीं है, तो क्या कहेंगे उसकी? वहाँ पर मैं खुद जाके आया हूँ, वहाँ पर रेलवे के अधिकारियों को भी लेके गया हूँ, और वो जल्द से जल्द अभी उसका जो कंपाउंड वॉल जो है, सेफ्टी वॉल जो है, वो सेफ्टी वॉल बांधने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। उसके लिए जो जो निधि है वो निधि अभी रेलवे से, रेलवे को वो काम के लिए मंजूरी मिल चुकी है और जल्द से जल्द वो निधि भी मिल जाएगी उसको। मुमरा रेलवे स्टेशन पे जो नई पटरियां डाली जा रही हैं उनका काम चालू हो रहा है, तो ये कब तक बनकर तैयार होंगी पूरा? ये जो है वो फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन का जो काम है दीवा और थाने के बीच में, उसका काम कई सालों से रुका हुआ था, अभी उसका काम तेज़ गति से शुरू है। तो आने वाले 2019 तक आप अगर देखोगे तो लास्ट संडे को मेगा ब्लॉक था, इसी फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन के लिए मेगा ब्लॉक था, जो फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन 2019 तक कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ इस फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन कंप्लीट होने के बाद और 100 रेलवे सर्विसेज वहाँ पर बढ़ेगी। मुमरा बाईपास पे भी लगातार हादसे हो रहे हैं, आधा अधूरा काम हुआ है और तीन तीन जो है लोगों ने उस बाईपास का उद्घाटन किया, आधा काम होने के बाद लगातार यहाँ पर हादसे होते ही जा रहे हैं। मुमरा बाईपास का आधा काम हुआ नहीं है, मुमरा बाईपास का जो रोड का सर्विसिंग था, पहले रोड खराब हो चुके थे, खड्डे थे, आज वो पूरी तरह से हमने RCC के रोड्स बनाए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, तो आज वो पूरा मतलब गाड़ी जाने के लिए रोड अच्छे हैं वहाँ पर। बाईपास के सुरक्षा दीवार की जो मांग की जाती थी, कहीं भी सुरक्षा दीवार नहीं, ऐसा नहीं है कि गए एक साल में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सुरक्षा दीवार की वहाँ पर सुरक्षा दीवार बांधने का काम PWD ने किया है, और जहाँ जहाँ अभी और ज़रूरत है वहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि वहाँ पर भी पूरी जहाँ पर बस्ती है वहाँ पर सुरक्षा दीवारों की काम पूरा होना चाहिए, और बीच में डिवाइडर की मांग की है, जिसके कारण जो है वो गाड़ियाँ फास्ट वगैरह जाती है वहाँ पर, वो गाड़ियाँ भी जो चलाते हैं हेवी व्हीकल्स उन लोग भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो दुर्घटनाएँ हो रही है वो रात को हो रही है, और वहाँ पर साइन बोर्ड जो है जो जो ज़रूरत है वो भी लगाने का काम PWD को कहा है। सर, मुमरा में कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर भी कई पार्टियों में गर्मा गर्मी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार में आपकी भी सरकार है, तो जो कब्रिस्तान पास करके दिया है UD ने, उस कब्रिस्तान को क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं जो यहाँ पर यहाँ के MLA उसको दे रहे हैं? आज जो लोगों की भावना जो कब्रिस्तान से जुड़ी है उसके साथ शिवसेना हमेशा है, और इसी को लेकर यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता जो है मेरे पास आई थी, कब्रिस्तान का जो प्लान जगह जो है वो शिफ्ट करने की बात जो शुरू है उसी को लेकर इन सभी के साथ, यहाँ के जो सभी लोग हैं उनके साथ, कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई है। कमिश्नर को भी बताया गया है कि ये कब्रिस्तान की जो जगह अगर बदली जाएगी तो लोगों को दिक्कतें आएगी, क्योंकि वो दूर पड़ेगा कब्रिस्तान, क्योंकि तो इसी को लेकर अभी टेक्निकलिटीज उसमें क्या है वो मुझे इतनी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कमिश्नर को कहा है और जो जो लोगों की भावना है वो भावनाओं के साथ शिवसेना है, लोगों को जहाँ पर कब्रिस्तान चाहिए वहाँ पर शिवसेना की कोशिश रहेगी कि जो जो टेक्निकलिटीज़ उससे दूर की जाए और कब्रिस्तान जहाँ था वहाँ ही करा जाए। ये थे यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, जिन्होंने कहा कि चाहे वो बाईपास का मुद्दा हो, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।